हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर वन को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमारा कोर्स मॉड्यूल है एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट के लिए पेपर वन एंड पेपर टू के लिए कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल है, जिसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, वहां पे जाके आप मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है वहां पे लिंक मिल जाएंगे आपको कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर जो हमारे और भी लेक्चर है उनके रिगार्डिंग आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से ही फॉलो करके आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एप्टीट्यूड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ रोहित एंड अंकित इज 78, यानी रोहित और अंकित की एज का जो सम है वो है 78। रोहित एज ट्वाइस द एज ऑफ अंकित, यानी रोहित की एज अंकित की एज की ट्वाइस है, यानी डबल है, ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ रोहित, यानी रोहित की एज क्या होगी, यानी दो कंडीशन दी है। दो कंडीशन क्या है, यानी रोहित और अंकित की एज का जो योग है, सम है, वो आपको दिया गया है, और एक रिलेशन और दिया है, यानी रोहित की एज है वो अंकित से दो गुनी है, ट्वाइस है, ठीक है। चलिए दोनों रिलेशन को एक बार राइट डाउन कर लेते हैं, यानी रोहित और अंकित का जो योग हो गया वो 78 हो गया, और उनके बीच में यहाँ पे देखो हमने रोहित को आर लिख लिया, एक फॉर अंकित है, ठीक है। तो यानी एक रिलेशन निकल के आ गया, यानी रोहित की जो एज है वो अंकित के ट्वाइस है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे दो रिलेशन निकल के आए, यानी दो फर्स्ट रिलेशन है हमारा, दोनों का जो सम है वो 78 हो गया, और इनके बीच में जो इनका नेक्स्ट रिलेशन है रोहित और अंकित का डबल हो गया, ठीक है। चलिए अब फॉलो करते हैं, यानी चलिए पहले इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जो हमारा यानी रोहित का अंकित की ये का डबल है, इसको एक बार पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। जब आप पुट करोगे वैल्यू, यानी आर की जगह यानी रोहित की जगह 2a आ गया, यानी 2a का मतलब अंकित की एज का डबल हो गया, ठीक है। तो यानी 3a का मतलब तो समझते हो, a मतलब अंकित, तो यहां से जो a फॉर यानी अंकित की जो एज निकल के आ गई वो आ गई 26। समझ में आ गया ना कैसे आई, यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो 3 का डिवाइड दे दोगे आप 78 में, तो जब 3 का डिवाइड दोगे 78 में 26 आ जाएगा, यानी अंकित की एज आ गई यहाँ से, ठीक है। जब अंकित की एज आ गई 26, और हमें पता है अंकित और रोहित की एज में जो रिलेशन है वो रोहित की एज अंकित से डबल है, यानी डबल का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 26 का डबल हो जाएगा 52, तो रोहित की जो एज निकल के आ गई वो 52। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया यानी रोहित की एज 52, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा था, क्या पता आगे वो एक बोल दे कि यानी रोहित और अंकित की एज में जो रेशियो है, यानी एज का जो रेशियो है वो कितना होगा, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार यानी ये भी पूछ, काफी एग्जाम में पूछा भी है, यानी 3 साल बाद या जो भी है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या पास्ट ऑर्डर में पूछ सकता है, यानी फ्यूचर में इन दोनों की एज का रेशो क्या होगा, पास्ट में इनका रेशो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन काफी मैंने कराए हुए, तो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतिका, यानी ये जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से है, ठीक है। तो डायरेक्शन से क्या, हम सीधे से देखो डायरेक्शन के, जब भी आप क्वेश्चन करो तो डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्या करना, आप एक एक स्टेप पढ़ते जाना और उस स्टेप को फॉलो करते जाना, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आपके सामने, उसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलो करना, ठीक है। चलिए कृतिका वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स साउथ, यानी साउथ से कृतिका चलना स्टार्ट करती है, यानी साउथ की तरफ चलना स्टार्ट करती है, कितना 40 मीटर। चलिए हम मानते हैं कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है। अब उसने वॉक किया साउथ में 40 मीटर, अब आप जानते हो ना, देखो जब भी आपकी पोजीशन, जैसे आपकी पोजीशन है ये, ठीक है, और हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, और अपसाइड यानी ऊपर की तरफ होता है हमारा नॉर्थ, और डाउन साइड होता है साउथ। ये आपने डायरेक्शन पढ़ी थी, डायरेक्शन के जो भी आपके जैसे राइट टर्न कहाँ पे होता है, लेफ्ट टर्न कहाँ पे होता है, सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी जब थ्योरी वाला सेशन पढ़ाया था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे,
यस। नेक्स्ट जो टर्म है यानी वो साउथ में चलती 40 मीटर उसके बाद उसने क्या किया, राइट टर्न लिया और राइट टर्न के बाद उसने 30 मीटर की वॉक और की। अब एक बात बताइए, जब वो साउथ की डायरेक्शन में जा रही है तो राइट कहां पर होगा? जब आप साउथ में जाओगे तो राइट आपका ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया। बस आपको यही चीज देखनी है कि जब आप साउथ जाओगे तो राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, और नॉर्थ में जाओगे तब लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा। बस इसी में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यस, अब राइट साइड में जैसे उसने टर्न लिया, उसने वॉक किया 30 मीटर, ठीक है। देन अगेन टर्न उसने लेफ्ट साइड का लिया और फिर उसने वॉक किया कितना, 50 मीटर। यानी मैं क्या कर रहा हूं, हर क्वेश्चन को बारी बारीकी से पढ़ रहा हूं और आपके साथ एक मैप ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए अब उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट के बाद उसने वॉक किया 50 मीटर का। अब वो इस पॉइंट पर पहुंच गई, अगेन उसने क्या किया, सी टर्न हर लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में उसने फिर से टर्न लिया। अब लेफ्ट बताइए, यहां पर लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट है ये, और उसने उसकी जो राइड है यानी जो उसकी यात्रा है वो 30 मीटर और की उसने, यानी 30 मीटर और चलना है उसको लेफ्ट साइड। अब उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो आ गया ये, क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है। और अब बनता है जो क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, यानी हाउ फार इज सी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन, यानी जिस पोजिशन पे वो खड़ी है और जहां से उसने अपनी दूरी स्टार्ट की थी उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है। समझ में आ रहा है ना, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में दूरी कितनी। अब बताइए, देखो यहां से उसने टर्न लिया यानी ये होगी आपकी 40, इस पॉइंट तक आ गई, वो इधर की तरफ 30 गई, फिर डाउन साइड में 50 आई, यानी ये चीज तो सेम है, यानी ये जो आपकी डायरेक्शन है ये डायरेक्शन दोनों सेम है, यानी 40 उसने यहां पर चला है और 50 यहां पर। टोटल दूरी उसने नहीं पूछी कि टोटल उतनी उसने राइड कितनी की, ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा कि जिस पोजीशन पे वो खड़ी है और जहां जिस पोजीशन को आपने स्टार्ट किया था उसकी जो डिस्टेंस है उसकी दूरी है वो कितनी है। तो 40 ये हो गई, 50 ये हो गई, तो कितना हो गया, यानी 90 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। टोटल दूरी कभी नहीं पूछता, सिर्फ इतना पूछता है जो भी आपके, जब ये अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा डायरेक्शन का उसमें और इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से आगे और भी क्वेश्चन है डायरेक्शन से उनको देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, इन सर्टेन लैंग्वेज CASIO कुछ लैंग्वेज में लिखा है, यानी 1, 3, 1, 99, 15, ये जो वर्ड लिखा है इसकी कोडिंग की है और आपको सीटीजन की कोडिंग निकालनी है। तो जब भी मैं हमने कोडिंग डिकोडिंग के काफी क्वेश्चन किए थे तो मैंने बताया भी था, पहले क्या करना है, जिस वर्ड की कोई कुछ भी हमें यानी कोड दिया उन दोनों को आप राइट डाउन कर लो, ठीक है। अब उनमें एक बार रिलेशन चेक करो, यानी C3A1S19I9 और 15O15। अब यहां पे अगर आप रिलेशन चेक करोगे तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, यानी हर अल्फाबेटिकल नंबर की यहां पे उनकी जो पोजीशन है वो लिखी हुई है, यानी सी आता है आपका 3 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, एस आता है 19 पे। तो इसी प्रकार हमें सीरीज पता चल गई। अब क्या करना है, हमें जो वर्ड पूछा था सिटीजन उसकी अल्फाबेटिकली पोजीशन बतानी, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन लेटर की अल्फाबेटिकल पोजीशन को डाउन कर दिया बाई नंबर में, ठीक है। अब सिटीजन में जो भी लेटर आपके यूज हुए हैं उनके सीधा का सीधा आपको अल्फाबेटिकल नंबर लिखने हैं, यानी सिटीजन का सी आता है आपका कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, आई फिर से अगेन 9 नंबर पे, जेड आता है 26, आई ई आता है 5 और देन एन आता 14 नंबर पर। सीधा का सीधा यही नंबर आपको राइट डाउन कर देना, यही आपका आंसर होगा। तो काफी यार क्या होता है, इन नंबर को एक स्टेप और बढ़ सकते थे, यानी इन नंबर्स के बीच में आप कुछ इंक्रीज या डिक्रीज कर देते तो कोडिंग बन सकती थी, लेकिन उन्होंने सिंपल सी कोडिंग की थी तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो गया 3, 9, 29, 26, 5 और 14, जो आपका आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए जैसा कि बताया था डायरेक्शन के क्वेश्चन, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन अगेन फिर से करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, यानी ए वॉक अपनी स्टार्ट करता है 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ
एंड अगेन वो 10 मीटर का टर्न लेता है राइट साइड। तो देखो जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को क्या करना है, आपको धीमे धीमे से राइट रीड करना है और अपनी पेन उसी डायरेक्शन में चलना है जिस डायरेक्शन में आपका क्वेश्चन चल रहा है। जैसे ए ने अपनी वॉक स्टार्ट की एक स्टार्टिंग पॉइंट से और वो सीधा चलता है 10 मीटर। अब वो 10 मीटर आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। यहाँ पे सीधा उसने बोला है कि ए वॉक्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन शो नहीं है कि वो फ्रंट में कितना, कौन से फ्रंट में यानी कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, तो आप कोई भी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे खड़े होगा, उसने 10 मीटर का डन राइड कर दी, उसके बाद अगेन 10 मीटर टू राइट मीटर यानी 10 मीटर टू द राइट, 10 मीटर चला राइट। अब यहाँ इस दिशा में अगर जा रहा है वो, तो उसकी जो राइट साइड है वो कहां पर होगी, देन ये होगी, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, देन एवरी टाइम टर्निंग हिज लेफ्ट ही वॉक्स, यानी यहां पर देखो वॉक्स इतने 15, 20, 25 और 5 रेस्पेक्टली, यानी ये जो व्यक्ति है वो हर बार लेफ्ट टर्न लेता है और पहली बार लेफ्ट टर्न पे वो 15 चलता है, फिर लेफ्ट टर्न पे 20 चलता है, फिर लेफ्ट टर्न पे 25 चलता है, फिर देन उसके बाद चलता है 5, यानी 4 बार उसको लेफ्ट टर्न लेना है और अलग अलग जो दूरी डिस्टेंस है उस पे वॉक करना है। पहली जो डिस्टेंस है यानी यहां से अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा तो इस डायरेक्शन में लेगा और उसने 15 का वॉक किया, फिर अगेन उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर 20 किया, फिर से अगेन यहां पर देखो आप जिस इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो लेफ्ट होगा यहां पे, राइट होगा यहां पे, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो तो उस डायरेक्शन में लेफ्ट कहां पे आएगा और राइट कहां पे आएगा, ये दोनों चीज बहुत डिपेंड करती है आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर से अगर उसको डायरेक्शन लेफ्ट हैंड लेना है और 25 चलना है, अगेन उसको 5 चलना है और लेफ्ट हैंड पे, यानी उसको लेफ्ट हैंड लिया और उसका एंडिंग पॉइंट आ गया, समझ में आ गया, यानी पहुंच गया वो एक एंडिंग पॉइंट पे। अब पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन ही इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट की जो दूरी है वो क्या है, सॉरी इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर दूरी नहीं पूछी, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है कि एंड पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट की किस डायरेक्शन है। अब आप बताइए कि ये है वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ये है उसका एंड पॉइंट, अब ये डायरेक्शन उसकी कौन सी है, तो हमने पढ़ा था अगर वो यहाँ पे खड़ा है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये जो डायरेक्शन होती है लेफ्ट राइट साइड में होती है ईस्ट और जो मतलब अप साइड में होती है नॉर्थ और डाउन साइड में साउथ और जो लेफ्ट साइड में आती है वो होती है वेस्ट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की जो डायरेक्शन हुई वो हुई वेस्ट साइड। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो क्वेश्चन आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये देखना कि क्वेश्चन में किस पॉइंट की पोजिशन किस पॉइंट के अकॉर्डिंग पूछी है। तो यहाँ पे जो पूछी थी जो पोजिशन पूछी थी वो एंड पॉइंट की पूछी थी अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए वेस्ट साइड, और यहां पर दूरी भी पूछ सकता था कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी कितनी है, तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, बस आपको सारी चीजें डायरेक्शन के क्वेश्चन में बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, यानी जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप फिगर राइट डाउन करते चले जाओ, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वही डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, सीधा पेन उठाना है और राइट डाउन करते जाना है। चलिए यस, रुनक्ता स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस, यानी रुनक्ता एक गर्ल्स है वो आपकी अपनी वॉकिंग स्टार्ट करती है अपने घर से, हमने मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ठीक है, सी फर्स्ट वॉक 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी उसने अपने घर से 3 मीटर वेस्ट की तरफ वॉकिंग स्टार्ट की, तो हमने चलिए जो नेक्स्ट नॉर्थ की तरफ वॉकिंग स्टार्ट कर दी, देन सी टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी उसने टर्न किया नॉर्थ की तरफ एंड मूव 4 मीटर इन दैट डायरेक्शन, यानी नॉर्थ टर्न लेने के बाद वो 4 मीटर डायरेक्शन मतलब वॉक करती है, ठीक है। चलिए तो आप नॉर्थ की तरफ जब टर्न लोगे 4 मीटर मूव कराओगे तो वो इस पॉइंट पे पहुंच जाती है, ठीक है, अब ये पॉइंट मान लिया सपोज दैट बी है,
अब क्वेश्चन के पीछा हाउ फार रुनक्ता इज फ्रॉम हर हाउस, यानी रुनक्ता जिस पॉइंट पे पहुंची है उस पॉइंट की दूरी स्टार्टिंग यानी उसके घर से क्या है, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये जो आप जैसे आप ये डिस्टेंस फिगर बनाओगे तो तुरंत आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फिगर आपका किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल का है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो डिस्टेंस यानी दो डायरेक्शन आपकी जो साइड दी हो तो तीसरी डायरेक्शन निकालना यानी तीसरी जो साइड निकालना बहुत ही इजी होता है। किससे? पाइथागोरस हमने पढ़ा था, बहुत ही छोटी क्लास यानी फिफ्थ फोर्थ में हमने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। चलिए तो जब पाइथागोरस लगाओगे यानी इस क्वेश्चन मार्क का जो स्क्वायर लगाओगे तो यानी जो आपका आधार होता है और प्लस जो परपेंडिकुलर होता है यानी बेस अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और जब आप उसको अंडर रूट कर दोगे तो आपका जो कर्ण है उसका स्क्वायर मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे जब आप 3 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का करोगे तो 3 का आता है 9 और 4 का आता है 16 यानी 25, और 25 का हम स्क्वायर रूट जानते हैं, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो जो हमारा जो यानी ए और बी के यानी जो रुनक्ता जिस पॉइंट पे पहुंची थी और जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट की थी उनके बीच में जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई हमारी 5, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन भी पूछ सकता था यानी जो रुनक्ता स्टार्टिंग पॉइंट यानी जिस पॉइंट से उसने दूरी स्टार्ट की थी उससे और जिसका एंड पॉइंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, यानी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आप सीधा कुछ मत करना, सीधा डायरेक्शन लगा देना, यहाँ पे ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ एंड देन साउथ, और ये हो गया आपका वेस्ट। आप बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ वेस्ट आएगी। तो डायरेक्शन भी पूछ सकता है, काफी क्वेश्चन डायरेक्शन से बने भी हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया यानी सी इज द 5 मीटर यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं, चलिए वो भी डायरेक्शन से है। गौतम वॉज फेसिंग नॉर्थ यानी गौतम का फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, चलिए कर देते हैं, गौतम का फेस हमने नॉर्थ की तरफ कर दिया, ठीक है। चलिए ही वॉक 40 मीटर एंड टर्न लेफ्ट टू कवर 20 मीटर यानी नॉर्थ की तरफ गौतम का फेस हो गया और वो 40 मीटर चलता है। चलिए हमने उसको चला 40 मीटर की वॉकिंग करा दी, उसके बाद उसने टर्न किया, कितना टर्न किया, लेफ्ट साइड। अब बताइए आपका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, ये हो गया आपका राइट, ये हो गया लेफ्ट। अगर उसने लेफ्ट टर्न लिया उसके बाद उसने कवर किया 20 मीटर, चलिए 20 मीटर कवर कर देते हैं, उसके बाद ही अगेन टर्न लेफ्ट, उसने अगेन टर्न लिया लेफ्ट का एंड वॉक 40 मीटर, अगेन उसके 40 मीटर का फिर वॉकिंग की तो वो इस पॉइंट पर पहुंच गया, ये पॉइंट हो गया उसका एंड पॉइंट। तो पूछा क्या, हाउ फार इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन यानी एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो डिस्टेंस या फिर डायरेक्शन दोनों पे ही क्वेश्चन बनता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में है, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट किस कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आप निकाल सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कितना हो गया, क्योंकि ये हो गया देखो ये भी 40 है ये भी 40 है, तो जाहिर सी बात है इसके जो सामने सामने की जो डायरेक्शन जो दूरी है वो सेम रहेगी यानी 20 मीटर, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, चलिए यानी 20 मीटर आगे चलते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्शन से है, अ मैन वॉज फेसिंग ईस्ट एंड वॉक फॉर 10 मीटर यानी एक आदमी है जो उसका फेस है ईस्ट की तरफ, ठीक है, और ईस्ट की तरफ उसका फेस है वो चलता है 10 मीटर, एक टर्न नॉर्थ, वो उसको 10 मीटर चलने के बाद वो नॉर्थ की तरफ टर्न लेता है और चलता है अनदर 10 मीटर एंड ही टर्न वेस्ट, नॉर्थ में 10 मीटर चलने के बाद उसने वेस्ट में टर्न लिया एंड ही वॉक 10 मीटर, अगेन मूव यानी उसने मूव किया साउथ में और 2 मीटर यानी साउथ में टर्न लेता है और 2 मीटर और चलता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन इज इट फ्रॉम ओरिजिनल पोजिशन एंड हाउ फार, यानी इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये है कि जिस पॉइंट से उसने दूरी स्टार्ट की थी उसका ओरिजिनल पॉइंट से डायरेक्शन क्या है, और उन दोनों के बीच में जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो डिस्टेंस कितनी है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जितने मैंने डायरेक्शन के 2-3 क्वेश्चन कराए
उन क्वेश्चन को फॉलो करती हो, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका जो भी आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा, ठीक है। अब जब भी हम मिलेंगे इस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, इस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल है पेपर वन एंड पेपर टू के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हमारी जो स्क्रीन है उस पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।